अंदर हम लोग 156 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। गुरुजी महाराज के प्रांगण में ऐसा शुभ कार्य हो रहा है। है गुड़ वाली ठंडी खीर, तो आ चुकी है खीर और हम लोग टेस्ट करेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक सोशल कॉज के लिए जा रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। तनु जाने वाले हैं घर, उससे पहले पहले मैं रेडी हो जाता हूँ, वरना वो फिर कहेगा कि मैं लेट हो गया, मैं तैयार नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ चेतन के घर पे। फिलहाल महाराज अभी तैयारी हो रहे हैं, इनका रोज का ड्रामा है। जब मैं पहुंचूंगा घर पे उसके बाद से मैं तैयार होना है। ये नहीं कि बंदा आ रहा है पहले तैयार होके खड़ा रहूं, ना, पहले बंदा पहुंचेगा फिर मैं नहाने धोने जाऊंगा, हमेशा लेडीज की वजह से होता है। तो चलिए नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। टाइम भी काफी हो गया कि हमें टाइम से पहुंचना था वहाँ पे, थोड़ा टाइम ऊपर हो चुका है, आधा घंटा लेट है हम। चलिए निकलते हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और अब हमने यहाँ से निकलना है उत्थान मंच की ओर। फाइनली हम लोग हीरानगर पहुंच चुके हैं और हीरानगर में हम लोग हैं अभी फिलहाल गोलजू मंदिर पे, और यहाँ आज एक स्पेशल इवेंट है। पुनर्निर्माण एक समिति है हल्द्वानी की, जिनका एक आज स्पेशल इवेंट यहाँ कर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। कई सभी जगह हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है गोलजू मंदिर। उत्थान मंच के पास में एक गोलजू मंदिर है जहाँ हर साल पुनर्निर्माण समिति द्वारा सामूहिक विवाह करवाया जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग वहीं खड़े हैं। अभी मैं खड़ा हूँ उत्थान मंच की फील्ड में और मेरे जस्ट पीछे ये है जहाँ सामूहिक विवाह हो रहा है, और उधर मैं शूट नहीं कर पाया, उधर मैं कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उधर पर काफी ज्यादा शोर हो रहा था। तो ये जो पुनर्निर्माण महिला समिति है ये बनी थी 2006 में और इनकी अध्यक्ष हैं श्रीमती लता बोरा जी और काफ़ी सारी कार्यकारी सदस्य यहाँ पर आई हुई हैं। तो वो ये देख रही हैं कि यहाँ पूरा जो जो ये फंक्शन है वो काफ़ी अच्छे से निपट जाए, और आज तक 156 विवाह कुल इनके द्वारा करवाए गए हैं। अब वो वैसे बता दो जल कैसे डालना है, क्या करना बता दो उनको। पृथिव्यां जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते श्रीनारायणश्च नाभिः। मैं आपको मिलवाता हूँ पुनर्निर्माण महिला समिति की अध्यक्ष से। मैं लता बोरा, अध्यक्ष पुनर्निर्माण महिला समिति, और ये पुनर्निर्माण महिला समिति की मीडिया प्रभारी कल्पना रावत जी। हम लोगों की समिति जो है 2006 में ये बनी हुई है और हम लोग इसी तरह के सामाजिक कार्यों को करते हुए आ रहे हैं। इसमें मेन हमारा जो है ये सामूहिक विवाह हम लोग पिछले 13 सालों से करवा रहे हैं, 13वां साल है। इसमें अभी तक हम लोग 156 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा चुके हैं। वो लड़कियां जो हैं वो बीपीएल कार्ड वाले रहती हैं और जरूरतमंद परिवारों की जो कन्याएं हैं हल्द्वानी शहर के आसपास और पूरे उत्तराखंड से, पहाड़ों से और बरेली बदायूं दूर दूर के हमारे पास ये लोग पहुंच रहे हैं। सामूहिक विवाह के अलावा हमारी समिति निर्धन वर्गीय कन्याओं को और मेधावी जो हैं उन कन्याओं को हम लोग पढ़ाते हैं। हर साल जीजीआईसी स्कूल में हम लोग 25 से 30 लड़कियां एडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हें फीस, ड्रेस और बुक्स वगैरह वो हम लोग सब देते हैं, और इसके अलावा हम लोगों के फोक डांस हम लोग करवाते हैं भारतीय संस्कृति पर आधारित कॉम्पिटिशन और ड्राइंग कॉम्पिटिशन, मेडिकल कैंप हम लोगों के लगते हैं गांव-गांव में, हम लोग जाकर मेडिकल कैंप लगाते हैं जिसमें एक्सपर्ट जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो आते हैं और
दवाइयाँ देते हैं। ये जो अब मैं पीछे देख रहा हूँ ये सारा दहेज का सामान है, तो ये दहेज का सामान आप लोगों ने जो हम लोग शादियाँ करवाते हैं पूरा ये जो घरेलू सामान है पूरा ही हम लोग देते हैं, उसमें बेड हो गया, बिस्तर, डिनर सेट और दुल्हन के पूरे कपड़े वगैरह, खाने की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा कराई जाती है, पूरा सामान हम लोगों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें लड़की वालों का एक रुपए का भी खर्चा नहीं लगता है। लड़की का भी नहीं, बस आना जाना जो जाएगा उनका ये खर्चा है, बस आने जाने का। बस आप आएंगे दान करने वाले करेंगे, देंगे, आते सारा सामान हम लोग देते हैं, बाकी शहर वाले भी सहयोग करते हैं, वो लोग भी लाते हैं सामान वगैरह। और ये हमारी समिति के सारे मेंबर्स हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? निर्मला मैम, कुसुम बोरा, अंजुना बोरा, जानकी पोखरिया। तो वैसे अभी जितना सामान देख रहे हैं ये दहेज का सामान रखा हुआ है, ये सब यहाँ दिया जाएगा जो जोड़े हैं यहाँ पर, जो शादी वाले जोड़े हैं उनको दिया जाएगा। और ये सब पुनर्वा महिला समिति और आसपास के जो लोग होते हैं वो दान करते हैं। इसमें दीवान बॉक्स है, बॉक्स है और फिल्टर हो गया और ये आटा चावल के ड्रम, कुकर, गैस जाता है, सब लोग जाते हैं, साड़ियाँ भी जाती है, गर्म स्वीटर हो गए, शॉल हो गए, जाड़ों के कपड़े। तो ये महिला समिति द्वारा गर्म कपड़े रखे जा रहे हैं, संदूक के अंदर साड़ियाँ, गर्म कपड़े, ताकि जो ये गरीब परिवार के जो है ये जोड़े हैं इनको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ज्यादा नहीं है, अगले साल सुबह से डाला तो मैं इसी शादी करूँगा। और ये कह रहा मैं अगले साल करूँगा, अगले साल सोफा सेट आ रहा है। समिति ने शादी का कार्य किया है, बड़ा पुण्य कार्य किया है। मैं सभी को तरफ से करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ, फूले फले बहुत करे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे। और एक घंटा पहले सूर्यो गंधर्वस्त मरे यदो पर्वत आयो नमस्कार। अभी तो चल रहा है यज्ञ चल रहा है, जब तक फिर साथ में रहते हैं दूल्हा दुल्हनों के, तब तक हम कन्यादान लिखा देते हैं, जिसे दहेज कहते हैं। हम भी थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर देते हैं। समिति इतना अच्छा काम कर रही है, हम तो उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी एक होता है कर देते हैं, लेकिन घर वालों की तरफ से मतलब ये भी हमारी तरफ से नहीं, ये भी घर वालों की तरफ से। क्योंकि बेला आउट ऑफ स्टेशन है आज, इसलिए उनकी रहना। तो गाइस शादी हो चुकी है पूरी, खुशी का माहौल है हर जगह, काफी खुश है लोग। बड़ी नेक पहले और ऐसे प्रांगण में वो जो महाराज के प्रांगण में ऐसा शुभ कार्य हो रहा है, तो इसके लिए हमेशा वो बधाई के पात्र रही हैं। और समिति को हर वर्ष मेरी माताजी से भी पूर्ण सहयोग मिलता है, और मेरी भी आशा यही है कि मैं इस लायक और काबिल रहूँ, अपनी उनका हमेशा सहयोग करूँ। निपटा दिए शादियाँ सारी, जिंदगी में रिकॉर्ड हो चुका दोनों रिकॉर्ड बना दिया, इतनी शादियाँ एक साथ अटेंड करने का। तो अब निकलते हैं, अब सीधे घर को। फिलहाल अभी हम लोग कहें चाय पीने के लिए, और ये है टी स्टॉल, काफी अच्छा है। और नवीन भैया का थैंक यू, जिन्होंने बताया था कि ये टी स्टॉल है जिसको काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। नवीन कुमैया भैया, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं आपको यहाँ गुड़ वाली खीर मिलेगी, चाय पीने के लिए मिलेगी बढ़िया सी। और ये आंटी जो यहाँ चलाती है, आई हाँ भाई, और
हमारे यहाँ का सभी कुछ टेस्ट करिए, जैसे चाउमीन, मोमो, गुड़ वाली ठंडी खीर, स्पेशल आइटम है गुड़ वाली ठंडी खीर, आप जरूर आइए एक बार टेस्ट करिए। अन्नपूर्णा फास्ट फूड काला ढूंगी है गुड़ वाली ठंडी खीर। क्या क्या पड़ता है आंटी इसमें? इसमें पड़ता है चावल, दूध, गुड़, किशमिश, इलायची, लास्ट में गुड़। तो आ चुकी है खीर और हम लोग टेस्ट करेंगे। हम गारंटी दे रहे हैं तो ऐसी थोड़ी ना दे रहे होंगे। कैसा? अच्छी बनी हो, आगे टेस्ट जरूर करना, काफी प्यारा है। मेरा तो फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया अभी इस खीर, एक नंबर, काफ़ी अच्छी खीर थी, मतलब घर का टेस्ट आ रहा था, और चाय ऑसम। तो आप आते हैं इधर रुकना ज़रूर, एक बार टेस्ट ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी खीर है। चले चाय तो हो गई, चलते निकलते हैं घर की ओर, देर भी हो गई है। हम देख रहे हैं वो है नैनीताल चौरा, और वहाँ से जस्ट 100 मीटर आगे आके आप आएँगे हल्द्वानी वाली रूट में, तो आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर काला डूंगी हल्द्वानी मेन रोड पर, ये पड़ेगा आपको। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप लोग, और आंटी को काफ़ी ज़्यादा मदद की ज़रूरत है अभी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।